Hey guys, welcome back to my channel Technical Neha.deep. I hope कि आप लोग सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो guys, मैं अभी छत पे टहल रही हूँ और अभी आज थोड़ा लेट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं सूरज भगवान उठ गया है ऊपर। तो guys, आज का दिन एक अच्छा से शुरुआत करते हैं। अभी वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद फिर नीचे जाके मैं ब्लॉग करती हूँ। आप लोग तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, मेरा वर्कआउट हो गया है और मैं नीचे आ गई हूँ। तो मैं जाती हूँ नहाने और आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइस, मेरा नहाना हो गया है और मेरा भात भी आधा बन चुका है और आधा अभी बना नहीं है क्योंकि गैस मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैं गैस बुकिंग कर दी हूँ और जो भैया आते हैं देने, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास रहता है। वो बोलते हैं कुछ भी असुविधा होने से, उनको कॉल करने से मुझे वो अलग से सिलेंडर दे के जाते हैं पहले। तो मैं उनको कॉल कर दी हूँ, तो वो 10:30 से 11 बजे के अंदर आ जाएंगे। तब तक मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। अभी भात आधा ही बना है, हो जाएगा उसमें, वैसे भी थोड़ा सा और हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा। तो गाइज, आज का दिन तो हम सोचे थे कि कुछ अच्छा से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत में ही थोड़ा धोखा दे दिया भगवान। गैस ख़त्म हो गया अचानक से, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक टाइम में हुआ है कि बोलने से गैस दे भी जाएंगे वो। तो देखते हैं कब तक लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों को तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रही। हे गाइज, बहुत टेंशन मेरा बात हो गया है क्योंकि मेरी जो गैस वाले जो गैस देने आते हैं जो भैया, तो वो बोले थे 10:30 बजे के अंदर मैं गैस दे जाऊंगी और अभी तक बजे 11:30, अभी तक वो आए नहीं। बीच में मैं उसको कॉल किए थे, मैं उनको उनकी वाइफ उठाए थे शायद, तो वो बोले कि अभी वो बाथरूम में है। एक बार बोल रहे हैं कि आके घूर के चल गए हैं वहाँ पे आपके घर के वहाँ से, जबकि वो घर में आते हैं तो पूरा डायरेक्ट ऊपर ही आते हैं रहने के लिए। अभी तक 11:30 बज रहे, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सिर्फ चावल पकी है, अभी कुछ भी नहीं पका है। मेरा हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया है और वो भी आके डायरेक्ट खाना खाएंगे, खाना खा के दवा खाते हैं प्रेशर का। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी भी मैं उनको कॉल की हूँ तो कॉल नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं फिर से एक बार कॉल करती हूँ उनको। तो गाइज, मैं उनको अभी जस्ट कॉल किए थे तो वो भैया उठाए तो बोले कि मैं आपका घर में दूसरा लड़का को भेजाए थे सिलेंडर देके, लेकिन आपका घर से नीचे से बोला है कि आप थे नहीं, स्कूल गए हो। अभी कि मैं तो घर में ही बैठी हूँ, तो पता नहीं किसका घर में चल गया है क्योंकि मेरा घर में तो ऐसा कोई बोलेगा नहीं। तो फिर भी मैं उनको बोली हूँ कि जल्दी से भेजने के लिए, भी ठीक है मैं जल्दी भेज रही हूँ। एक्चुअली वो भैया कुछ काम से अपना घर चल गए थे, दूसरा लड़का को भेजाए थे, पता नहीं शायद वो दूसरा घर चल गया होगा क्योंकि मेरा घर में ऐसा कुछ बोलेगा नहीं और मैं ऊपर में ही हूँ, मैं बैठी ही हूँ रूम में, मैं कहीं गई नहीं हूँ। तो देखते हैं कब तक लेके आते हैं वो भैया, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है गाइस। अभी 12:00 बजने जा रहा है, 11:40 हो गया है, मेरा हस्बैंड आएंगे तो वो खाने खोजेंगे और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और फिर उनको उसके बाद उनका मेन बात है कि उनको दवा भी खाने पड़ता है ना, शुगर और प्रेशर दोनों का दवा खाने पड़ता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा टेंस में हूँ। अभी देखते हैं मैं क्या होता है। मैं आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आगे। कोई भी डिश आप लोगों को पसंद है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आगे कोई भी डिश का वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों तक जरूर पहुंच जाएंगी। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं कल का व्लॉग और आज का, मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल मैं देने नहीं पाई थी व्लॉग, तो मैं कल वाला व्लॉग भी आज कंटिन्यू करूँगी। कल का तो आधा आप लोग देख रहे हैं और आज का आप लोग देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने बैठे हैं श्लोक, सुदीप और हम। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद उसके बाद आज मेरा कोई सब्सक्राइबर है जो क्योर स्किन का, मैं जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी प्रोडक्ट का, मैं जो मंगाई थी तो उस बारे में वो कुछ पूछे थे सवाल और उनका मुझे आंसर देना है, तो इसलिए मैं आज उसके लिए ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो कोई भी क्वेश्चन रहे, सवाल रहे तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उनका भी आप लोगों का भी आंसर दूंगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग देखते रहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा किचन ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे प्याज कली का पकौड़ी।
देखते हैं कैसे बनता है। तो गाइस फाइनली मैं उस टॉपिक पे अभी ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर है मेरा, बहुत ही मतलब कुछ कुछ सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट सेक्शन में आके हमको मतलब क्वेश्चन किए हैं और इसके बारे में वीडियो बनाने मतलब आंसर देने बोले। तो मैं सोची कि मैं आंसर ऐसे कैसे दूंगी, अगर मैं इसका एक ब्लॉग बना दूंगी तो सब कोई, जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है सब कोई देख सकते हैं उस ब्लॉग को। तो गाइस वो टॉपिक रहा ये क्योर स्किन, आई थिंक क्योर स्किन का। तो गाइस ये प्रोडक्ट मैं मंगाई थी आज से 5 महीना पहले, 4-5 महीना पहले मैं मंगाई थी। तो गाइस मैं ये प्रोडक्ट यूज़ की हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरा स्किन, अभी मैं कोई फिल्टर नहीं यूज़ की हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा स्किन। सच में ये बहुत फ़ायदा करता है, मैं भी सोची थी खरीदने से पहले कि क्या होगा नहीं होगा, तो मैं खरीदी थी। इसका प्राइस था 1499 रुपये, मतलब 1 रुपया कम 1500 रुपया। और इसमें 4 प्रोडक्ट दिया था, एक फेस वॉश है, एक मॉइस्चराइजर है और एक सनस्क्रीम है और एक कोजिक क्रीम है। तो गाइस इसके बारे में जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे आप अपना स्किन दिखा के, जरूरी नहीं कि यही सेम प्रोडक्ट आपको देगा, क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करने से उसके बाद उसमें मतलब उसमें अगर सिंग इन कीजिएगा तो उसमें आपका पिक मांगेगा, आपका स्किन वाइज वो लोग प्रोडक्ट छोड़ता है, वो डॉक्टर सजेस्ट करता है वही प्रोडक्ट छोड़ता है। तो उस प्रोडक्ट जब आपके पास डिलीवरी हो जाएगा तो उसका आपका व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट से मैसेज आ जाएगा, उसको उस प्रोडक्ट को कितना क्वांटिटी कैसे कैसे यूज़ करना है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मैं मंगाई थी, इसका दाम है 1500 रुपया, मतलब 1499 रुपया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सूट किया है, आप लोग देख सकते हैं मेरा स्किन को। तो गाइस कोई सब्सक्राइबर हमको बोले थे उसका बारे में पूछे, तो मैं आज उनके लिए ब्लॉग बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर परचेस कीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत फ़ायदा है। तो आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।